हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्राइट के मास्टर। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि निर्मला कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाइए, उनका एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए, वहाँ पढ़ाई कैसी होती है उसके बारे में बताइए। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, निर्मला वीमेंस कॉलेज रांची का जो फॉर्म है वो आउट हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स निर्मला वीमेंस कॉलेज रांची में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, फॉर्म की चार्जेस कितने हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल में जितने नए हैं वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जाएंगे एडमिशन में। एडमिशन में जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद हम करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप इंटरमीडिएट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप यहां पर इंटरमीडिएट को सेलेक्ट करेंगे, और आप इंटरमीडिएट में आर्ट्स में कराना चाहते हैं तो आर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे, इंटरमीडिएट साइंस में करना चाहते हैं तो साइंस में करेंगे, इंटरमीडिएट कॉमर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं तो कॉमर्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूजी में करना चाहते हैं इंटरमीडिएट के सेशन, यहाँ पर सेशन लिख देंगे आप। उसके बाद अगर आप यूजी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यूजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए में, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी में, या बैचलर ऑफ कॉमर्स, तीनों में से जिसमें आपको एडमिशन कराना है वो चूज करना होगा। उसके बाद यूजी वोकेशनल में सिलेक्शन कोर्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग एफडी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएससी आर्ट्स। आपको जो चीज़ लेना है वोकेशनल में आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप यहां पर सेशन डाल देंगे। अब पीजी मास्टर की बात करें तो पीजी का जो फाइनल एग्ज़ाम है वो अभी तक नहीं हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, तो उसका जो एडमिशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन आप यहां से जाके कर सकते हैं। आपको यहां से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आप लॉगिन करना होगा यहां से, फिर क्लिक हेयर टू, आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालना होगा, फिर यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपके सामने फॉर्म आएगा, फॉर्म आप भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे कि जो फॉर्म के चार्जेस है वो कितनी है। तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ जो फॉर्म के चार्जेस है वो मात्र 700 रुपीज़ है। तो 700 रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, इसलिए फॉर्म सभी फिल करें। निर्मला वीमेंस कॉलेज रांची में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो फॉर्म को फिल ज़रूर करें। फॉर्म फिल करने के बाद आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको जो पेमेंट रिसीव्ड है उसे अपने पास रखना है। फिर कॉलेज के द्वारा सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा। अगर आपका नाम आएगा तो आपका एडमिशन वहाँ हो पाएगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने फी स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, निर्मला कॉलेज रांची फी स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट के लिए फर्स्ट पेपर है, उसके लिए जनरल के लिए 16,150 रुपीज़ लगेगा। एससी एसटी और ओबीसी के लिए 15,750 रुपीज़ लगेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट साइंस की बात करते हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ
PCM प्लस इकोनॉमिक्स लेंगे वो जनरल होंगे तो 20,150 रुपीज़ लगेगा। जो SC होंगे ST होंगे और OBC होंगे उसके लिए 19,750 रुपीज़ लगेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी लेंगे PCB प्लस इकोनॉमिक्स जो जनरल है उसको 20,650 रुपीज़ लगेगा और SC ST और OBC के लिए 20,250 रुपीज़ लगेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अगर आप कंप्यूटर लेंगे तो जनरल के लिए 23,650 रुपीज़ लगेगा और SC ST और OBC के लिए 23,250 रुपीज़ लगेगा। इंटरमीडिएट कॉमर्स की बात करेंगे अगर आप विदाउट कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो आपको 16,150 रुपीज़ लगेगा जनरल के लिए और SC ST और OBC की बात करें तो 15,750 रुपीज़ लगेगा। विद कंप्यूटर जो कंप्यूटर भी लेना चाहते हैं उसकी बात करें तो 19,150 रुपीज़ लगेगा और SC ST और OBC की बात करें तो 18,750 रुपीज़ लगेगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें जो इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी लेंगे उसके जनरल के लिए 16,600 रुपीज़ लगेगा और SC ST और OBC के लिए 16,150 रुपीज़ लगेगा। इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी और प्रैक्टिकल जियोग्राफी और फिलोलॉजी लेंगे तो जनरल के लिए 17,100 लगेगा 17,1000 SC ST और OBC की 16,650 रुपये लगेगा। जो जियोग्राफी फिजियोलॉजी लेना चाहते हैं वो जनरल 17,100 लगेगा SC ST OBC का 16,650 लगेगा। जो बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स 20,600 जनरल के लिए 20,150 SC ST और OBC के लिए। केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स बॉटनी और जियोलॉजी प्रैक्टिकल जनरल के लिए 21,100 SC ST OBC के लिए 20,650 बॉटनी जियोलॉजी जनरल के लिए 21,100 SC ST OBC के लिए 20,650। बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करें जो अकाउंट्स ऑनर्स लेना चाहते हैं वो जनरल के लिए 17,100 लगेगा SC ST OBC के लिए 16,350 रुपीज़ लगेगा। वोकेशनल कोर्स जो BBA करना चाहते हैं जनरल के 28,450 रुपीज़ लगेगा और SC ST OBC के लिए 27,450 रुपीज़ लगेगा। BCA आर्ट्स करना चाहते हैं जनरल के लिए 31,450 लगेगा SC ST OBC के लिए 30,450 रुपीज़ लगेगा। BSc SC जो करना चाहते हैं जनरल में 31,450 रुपीज़ लगेगा SC ST OBC के लिए 30,450 रुपीज़ लगेगा। जो IT लेना चाहते हैं वोकेशनल में जनरल के 31,450 रुपीज़ लगेगा SC ST OBC के लिए 30,450 रुपीज़ लगेगा। जो FD करना चाहते हैं जनरल 22,200 रुपीज़ लगेगा SC ST OBC के लिए 21,200 रुपीज़ लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल में बने रहिएगा और जितने भी हमारे चैनल में नए हैं हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। और इस कॉलेज के थ्रू आपको किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत भारत माता की जय।